तमिलनाडु में एक 7 साल के बच्चे के मुंह में 526 दांत पाए जाने का मामला सामने आया है और जिसने भी इस खबर को सुना है वो हैरान हो गया है। आपको भी शायद यकीन ना हो, लेकिन ये खबर देखने के बाद आपको यकीन करना ही पड़ेगा। किसी से भी अगर पूछा जाए कि आपके मुंह में कितने दांत हैं, तो सभी का जवाब होता है या होगा 32। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक बच्चे के जबड़े से 526 दांत निकाले गए हैं, तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यही सच्चाई है। आपको बता दें कि हाल ही में तमिलनाडु में दुनिया का पहला ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक 7 साल के बच्चे रविंद्र के मुंह में 526 दांत पाए गए हैं और जिसने भी इस बात को सुना वो सुनकर हैरान रह गया। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में सभी को यकीन करना ही पड़ा। दरअसल डॉक्टरों का कहना है कि उस बच्चे को कंपाउंड कंपोजिट ऑनडोन्टोम नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से उसके दाहिने जबड़े में सूजन आ गई थी, जिसके बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां अस्पताल में ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के हेड पी सेंथिल नाथन का कहना है कि बच्चा तकलीफ में था। ट्यूमर इज वेल नाइसली डीमार्केटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बोन एंड इट्स अ 4 to 5 cm इन 3 cm साइज इन द राइट साइड ऑफ द लोअर जॉ दैट इज कंप्लीटली रिमूव्ड and taken out, then only the finally we come to know that there was a 526 teeth. आपको बता दें कि बच्चे के माता पिता ने बच्चे की सूजन को पहली बार तब देखा जब बच्चा 3 साल का था, लेकिन इस तरफ उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया। जब बच्चे को तकलीफ ज्यादा हुई तो बच्चे को लेकर माता पिता अस्पताल आए, जिसके बाद बच्चे के लोअर जॉ की सर्जरी की गई। फिलहाल बच्चा पूरी तरह से ठीक है। रोमाना अलवी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।